तो हाय व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय YouTube चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आप कंपैरिजन करने वाले हैं एयरपोर्ट प्रो और i12 के बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम बात करते हैं दोनों के बारे में, साउंड क्वालिटी के बारे में। तो इसमें साउंड क्वालिटी आपको हम 10 में से रेट देते हैं, तो इसमें से आपको मिलेगी कुछ करीबन 3-4%। तो इसमें मिलती है हमें 5-6% जो कि ये है 350 का, ये है कुछ 200 के अराउंड। तो अभी आपको साउंड क्वालिटी के हिसाब से चाहिए तो आप ये ले सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा महंगा पड़ेगा आपको। और आप ये साउंड क्वालिटी से बाहर लेंगे तो आपको ये थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। तो अब हम बात करने वाले हैं बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो इस दोनों की बिल्ड क्वालिटी है थोड़ी, इसकी थोड़ी ऐसे थोड़ा डाउन है और इसकी थोड़ी बिल्ड क्वालिटी है, तो थोड़ा प्राइस में डिफरेंस हो तो इसमें होगा ही। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कॉर्नर रहेगा, दिख रहे हैं कॉर्नर होता है, और ये हमारे ये अच्छा नहीं है देख। तो अभी हम इसमें देख सकते हैं तो थोड़ा मैग्नेट का भी डिफरेंस है, तो ये इसमें मैग्नेट अच्छा है तो थोड़ा इसमें लो क्वालिटी का होगा। तो ये इस दोनों के हम बैटरी लाइफ और चार्जिंग के बारे में बात कर ले तो इस चार्जर से इसको चार्ज करने में करीबन 1 घंटा लग जाता है, और इस पिन से इसको चार्ज करने में आधा घंटा लग जाता है। तो और इसकी बैटरी लाइफ है अराउंड 6 आवर्स और इसकी है अराउंड 3-4 आवर। तो आपको जो अच्छा लगे वो लेना चाहिए, क्योंकि जो इस दोनों में प्राइस भी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, 200 से 300 रुपये का। तो अभी आपको जो अच्छा लगे वो लेना चाहिए, बट अभी मेरा तो रिव्यू इसके साथ ही है। तो अभी इसमें एक और प्रॉब्लम है जो कि है एयर को जो आपका कान होता है ना वो दुख जाता है इसमें से। इसको अब हम रिव्यू देंगे, हमारे जो कैमरा मैन है वो जिस ये है ना वो हमारे कैमरा मैन का है, तो जो ये कैमरा मैन है वो इसको रिव्यू देख रहा। तो ये तो मैंने अभी अराउंड 1 दिन से मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो कि मुझे कान में अभी तक कुछ डर भी नहीं हो और उसको तो कान में अभी दुख रहा है। तो अभी आप देखते हैं इसकी मेन प्रॉब्लम की बात करते हैं। ये जो है i12, इसमें अगर हम ऐसे मान लो ना 2-3 घंटे ऐसे रख लेते हैं, अगर इसे 2-3 घंटे रख लेते हैं ना तो फिर आपका कान इतना दुखेगा ना कि ऐसे अगर आप ऐसे कोई करेगा ना आपका कान इतना दर्द करेगा कि आप रो पड़ोगे, जो अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ हुआ था। तो मैं कहूँगा मैं इसे बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और मैं इसको रिकमेंड भी करूँगा क्योंकि इसमें ये प्रॉब्लम नहीं होती कान वाली, इसमें ये सिलिकॉन टिप्स दी हुई हैं लेकिन इसमें नहीं दी हुई। और ये पहले ही बता दूँ एयरपोर्ट 2 यानी कि एप्पल के एयरपोर्ट की ये कॉपी है, इसीलिए इसमें बिल्ड क्वालिटी वगैरह सब कुछ लो होती है। सो इसलिए मुझे ये तो पसंद नहीं है, लेकिन मेरा बजट कम था इसलिए मुझे ये लेना। आपसे सिर्फ 2 शब्द कहना चाहता हूँ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और क्या ही कहूँगा मैं।